अब ये व्यक्ति को देखो जिसका फोटो आप देख सकते हैं, यहां टोटल तीन फोटो है एक तरफ नामान उसका कोड ठीक हो गया दूसरी तरफ एलिशा जो उसके पैसों को इनकार कर रहा है और तीसरी तरफ गहेजी उसका नौकर जिसको कोड लग गया तो ऊपर लिखा है नाम का कोड अध्याय को एक से सत्ताईस सेकंड किंग चैप्टर फाइव वर्स वन टू ट्वेंटी सेवन अब इसकी घटना क्या है मैं आपको पहले बता देता हूं आप लोग अगर सब लोग तैयार हैं तो मैं आगे बढ़ू ना ये मानव गंग मानव गंग क्या मानव क्या है आप लोग का फोकस रखो बेटा हाँ बच्चे लोग तब तक थोड़ा सा पानी पी लेता हूं जी थोड़ा हजम करिए क्योंकि टॉपिक ही बहुत ज्यादा गजब का है जी सब लोग तैयार हैं आगे बढ़ सकता हूं जिसको पानी पीना पी लो जिसको थोड़ा रिलैक्स होना है मतलब बाहर नहीं चले जाना कैमरा छोड़ के बट आप लोग चलिए बात को आगे रख रहा हूं ना एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम है एलिशा उसका जो गुरु था उसका नाम था एलिया आप सभी जानते कि जानतेशा कौन है जिसने एलिया का डबल ऑफ द पावर मांगा ऐसी मिनिस्ट्री करते करते ही जब एलिशा आगे बढ़ा तो इसको भी एक नौकर मिला जिसका नाम था कही जी तो एलिया का पावर एलिशा को तो एलिशा का पावर किसको इस व्यक्ति को जिसका नाम है कही जी लेकिन इस व्यक्ति ने बड़े ध्यान से सुना इस व्यक्ति ने अपनी मूर्खता के चलते एक बहुत बड़ा पद एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री खो दी और हमेशा के लिए कोड़ी बनकर मर गया और सिर्फ खुद कोड़ी नहीं हुआ मैं रखूंगा साथ में और कौन कौन कोड़ी हुआ मैं वो भी बताऊंगा तो सबसे पहले एक सेनापति जिसका नाम है नामान एलिशा के पास आता है मेरा कोड़ ठीक कर दो मैं डॉक्टरों के पास जा जा के थक गया हूँ ये कोड़ ला इलाज है लेकिन मुझे किसी ने कहा है आपके पास में परमेश्वर है क्योंकि नामा नविश्वासी था ये ईश्वर को नहीं मानता था मतलब परमेश्वर को नहीं मानता था ये किसी और देवी देवताओं की आराधना करता था लेकिन जब एलिशा ने कहा कि तुझे सात बार डुबकी लगानी है तेरा कोर चला जाएगा आप देख सकते हैं कि इसका टोटल कोर चला गया और ये इतना खुश हो गया कि कई लोगों के साथ में आकर इसने बहुत सारी ऑफरिंग मैं रिपीट करता हूं बहुत सारी ऑफरिंग सोना चांदी पैसा सब कुछ लाकर किसको दिया इस एलिशा के पास में लेकिन एलिशा ने इसको साफ मना कर दिया और मुझे नहीं पता इसके पीछे मना करने का कारण शायद यह भी हो सकता है कि किसकी प्रॉपर्टी इसका पैसा शायद देवी देवताओं का था या उसके साथ कोई कनेक्शन होगा इसके चलते इसने मना किया इसने कहा मैं नहीं लूंगा लेकिन इसका नौकर इस सेनापति के पीछे भागता है और झूठ कहता है वापस झूठ आ गया देखो अभी तक कौन सा चल रहा है झूठ 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 ठीक है ना ये भागता है किसके पीछे सेनापति नामहन के पीछे नामहन पूछता है उसने कहा क्या हाल सब ठीक है सब कुशल है कौन कहता है गही जी कहता है सब ठीक है परंतु ये शब्द देखो परंतु मेरे स्वामी ने किसने एलिशा ने मुझे यह कहने को भेजा है कि के, के पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं वक्ताओं के चेलों में से दो जन मेरे यहां अभी आए मतलब आप निकले कि वो आ गए झूठ है झूठ है ये झूठ है इसलिए या उनके लिए एक टिककर चांदी और दो जोड़े वस्त्र दे अब इसको देखो ही उसने पैसे लिए और सब कुछ लेकर वह भीतर जाकर किसके सामने अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ एलिशा ने उससे पूछा हे hey गए जी तू कहां से आता है अब दूसरा झूठ उसने कहा तेरा दास तो कहीं नहीं गया था माई गुडनेस

ऐसे दिखा देता है ऐसे दिखा देता है और जिसके चलते ये नौकर जिसका नाम है गहेजी इसको पैसे का नशा पैसे का अंधापन लालच का अंधापन इतना था कि ये अपने स्वामी को तो नहीं पहचाना ये तो गलत है लेकिन ये खुद परमेश्वर तक को भूल बैठा या परमेश्वर तक को नहीं समझ पाया लिखा है मैं कहीं नहीं गया था स्वामी मैं तो यहीं पे था मैं तो यहीं पर रह रहा था मैं कहा गया अब जरा वचन देखिए वचन छब्बीस लिखा है क्या यह समय चांदी व वस्त्र या जलपाई व दाकरस की बारियां भेड़ बकरियां गाय बैल दास दासी लेने का है क्योंकि परमेश्वर के दास ने कहा कि गई जी तू जब से निकला है क्या क्या किया सेनापति को क्या कहा, कहा पैसे छुपाए एक एक चीज मैं तेरे को बता दूंगा तब जाकर यह कहता है क्या यह वक्त बहुत ध्यान से सुनिए क्या यह वक्त पैसे कमाने का है क्या यह वक्त यूट्यूब के लोगों ध्यान से सुनो क्या ये वक्त चर्च के लोगों को झूठ बोलकर दशमांश के नाम पे धान के नाम पे प्रेर सीड प्रार्थना का बीज के नाम पे पैसे कमाने का तो सीधी जवाब है नो 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 आप भोले भाले लोगों को जो चर्च में आते हैं आ, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये मानव क्या, क्या कर रहा है ये मानव क्या कर रहे हैं लोग आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं बच्चे लोग या नीता जी इनको फॉलो करो मानव को फॉलो करो yes, और उनसे बाद में बात करो कि ये लोग क्या कर रहे हैं ये टीचिंग सुन रहे हैं हंस रहे हैं मजाक कर रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ठीक से सुने अन्यथा फिर आप लोगों को कल से मना किया जाएगा सो बी सीरियस ओके टॉपिक बहुत अलग है ओके okay? मानव वापस कह रहा हूँ जरा हाथ दिखाओ मानव या मानव ये लड़का या हाँ प्लीज प्लीज व्हाइट टी शर्ट ध्यान से सुनो बच्चे लोग ठीक है ना वापस आना होगा वापस आना होगा एलिशा कहता है क्या यह समय चांदी कमाने का क्या यह समय वस्त्र कमाने का क्या यह समय जलपाई का दाकरस की बारियां भेड़ बकरियां गाय बैल दास दासी लेने का है तो सीधा जवाब है नो 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 ये वक्त बहुत ध्यान से सुना मसीह मंथन के लोगों यह वक्त है यशु की सेवा करने का यह वक्त है आत्मा बचाने का यह वक्त है परमेश्वर के पीछे चलने का ना कि चोरी करना ना कि छूट बोलना ना कि किसी प्रकार के लालच में फंसकर अपना बुलाहट को खोना वाह मुझे दुख जीसस क्राइस्ट कैसे बोलू ध्यान से सुनो मुझे दुख उस दिन इस बात का नहीं होगा कि लाखों की तादाद में मूर्ति पूजक नरक जा रहे लाखों की तादाद में वेबिचारी नरक जा रहे लाखों की तादाद में शराबी नशा ड्रग्स करने वाले नरक जा रहे मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का होगा जरा देख लीजिएगा मेरे हाथ में क्या रख रहा हूं मैं मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का होगा कि जो बाइबल को रख के नरक जाएंगे मुझे दुख इस बात का होगा ऐसे लोगों का दुख होगा जो परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं ऐसे लोगों का दुख होगा जो बिशप कहते हैं खुद को, अपोस्तल, रेवरेंट, वैसे, क्या क्या कहते हैं ऐसे लोगों की तादाद अगर नरक जारी होगी मुझे दुख होगा जानते हो एलिशा को गुस्सा कितना आया इसका गुस्सा देखो वचन सत्ताईस में इस कारण से नामह का कोर तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा Oh, 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 oh. मतलब घोड़ जो है ना सिस्टर निजला जी देखिए लिखा है घोड़ जो है ना ये सिर्फ नामान को नहीं है लिखा है उसके वंश को लगा रहेगा इसका मतलब है कि नामान के कोड़ में जितने भी बच्चे पैदा होंगे वो घोड़ के साथ पैदा होंगे तब वह हिमसा श्वेत कोड़ी होकर उसके सामने से चला गया अब आप बताइए क्या ये पाप जो नमान ने किया ऐसा पाप जो आखान ने किया ऐसा पाप जो हननिया सफीरा ने किया क्या इन तीनों को जो सजा मिली है इसके पीछे क्या चीज है एक ही चीज पाप को हल्के में लिया पाप को हल्के में लिया और yes नो, no? अब आप सोच के देखिए कौन सा परमेश्वर है कहते हैं प्रभु दयालु है ऑफकोर्स लेकिन क्या सस्ता बना दिया नहीं परमेश्वर प्यार करता है क्या सस्ता बना दिया परमेश्वर माफ करता है क्या सस्ता बना दिया लेकिन वो परमेश्वर भी इसका दो रूप है एक सिक्के का दो पहलू होता है ना हेड एंड टेल वैसे ही परमेश्वर प्यार भी करता है लेकिन जब उसको गुस्सा आता है इस तरीके से नाश करता है आप लोग कहोगे कि नहीं डैनियल भाई आप गलत बाइबल का प्रचार कर रहे हम तो अनुग्रह के युग में तो फिर हननिया सफीरा कौन से युग में थे क्या बात करते हो यार <laughs> कहते हैं परमेश्वर तो माफ करने वाला क्योंकि उसका बेटा बलिदान हुआ है तो फिर मैं वही परमेश्वर को पूछूंगा फिर हननिया सफीरा को आपने क्यों मारा कमान 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 यस सर नाउ